channel Sanchana Vlogs. How are you all? I hope you guys are doing great. So guys, आज है एक बहुत ही special day. अभी रात के 11 बज रहे हैं और कल जन्माष्टमी है. Yes, कल जन्माष्टमी है. So मैं जन्माष्टमी की preparations कर रही हूँ. आपको पता है हमारे घर पे माधव है और गोपाल है, तो उन दोनों का कल बर्थडे है और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है. तो अभी रात से ही हमने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है. अभी हमें आपको पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग लगते हैं, तो हम हर साल जन्माष्टमी पे उनको 56 भोग लगाते हैं. तो उसके लिए हमें 56 भोग रेडी करने पड़ते हैं. तो उसके लिए हम धीरे धीरे बना बना के प्रिपेयर करते हैं. मैं और मम्मा मिलके ठाकुर जी के लिए सारी चीजें बना रहे हैं. कुछ कुछ चीजें जो हमें बनाने में टाइम लगेगा, जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन के बर्फी, नारियल के लड्डू, मखाने की खीर और बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ हम अभी क्या क्या बना रहे हैं. सो ये सारी चीजें हम रात को ही बना के स्टोर कर लेंगे और बाकी के जो भोग है वो हम सुबह बनाएंगे. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसन भून रही हूँ लड्डू के लिए और बेसन की बर्फी के लिए घी के अंदर. अब मैं यहाँ पे घेवर के लिए वो कर रही हूँ. ये घेवर का पेस्ट है. अगर इसकी रेसिपी आपको जाननी है तो आप कमेंट करके बताना. ये घेवर का पेस्ट है, इसको अब हम घी में डालेंगे. इस तरीके से धीरे धीरे मम्मा जो है इसकी पूरी ऊपर तक वो बना के इसको घी में डालेंगी और ये इस तरीके से तेल में बनेगा. अब इसमें इसके बीच में गैपिंग सर्कल राउंड शेप आए, इसलिए हम इसमें कुछ गैप दे रहे हैं. सो ये हमारा घेवर बन के रेडी हो गया है. इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है बाद में अच्छे से फ्राई करने के लिए. ये है मेरा बेसन का पेस्ट जिसमें मैं अब चाशनी मिला रही हूँ बर्फी के लिए बेसन की. और इस तरीके से मेरी बर्फी प्लेटिंग रेडी हो गई है. अब मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ. इसमें मैं भूरा मिला रही हूँ. मेरा थोड़ा सा पेस्ट ज़्यादा भुन गया था तो थोड़ा ब्लैक हो गया, तो प्लीज़ इग्नोर दैट. सो अब मैं लड्डू बना रही हूँ बेसन के. इस तरीके से मैं लड्डू बना लूँगी गोल गोल करके अपने हाथों से. अब मैं बना रही हूँ छेना टोस्ट. मैं इसके लिए ब्रेड को कट करके पीसेस में घी में फ्राई करूँगी और उसके बाद उसको चाशनी में इस तरीके से जब ये फ्राई हो जाए उसको चाशनी में डाल ली. अब हमने अपने जो मेन चीज़ें थी जिनमें टाइम लगता है वो बना ली हैं और अब बाकी चीज़ें अब हम मॉर्निंग बनाएंगे. और अभी टाइम हो गया है 12 बज रहे हैं. अब हम माधव को विश करेंगे और मैं माधव को दूध पिलाऊंगी. आपको तो पता ही है कि माधव और गोपाल दोनों रात को दूध पी के सोते हैं. सो अब मैं आपको मिलूंगी मॉर्निंग जन्माष्टमी पे. टिल देन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं थोड़ी देर में. टिल देन बाय बाय. हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. से हैप्पी ऑलवेज. एंड अब हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं. सुबह सुबह का टाइम है, आप देखो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जन्माष्टमी के लिए. सो आज 12 अगस्त है. बहुत सारे लोगों ने कल जन्माष्टमी बनाई है बट अकॉर्डिंग टू स्कॉन टेम्पल और वंदावन टेम्पल जन्माष्टमी आज है. सो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो अब ऑलमोस्ट हम सब रेडी हो गए हैं और सारा स्टार्टिंग मतलब काम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम माधव और गोपाल को 5 चरणा नमस्त स्नान कराएंगे. स्नान कराने के बाद उनको श्रृंगार करेंगे और उसके बाद बाकी की जन्माष्टमी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. काना को स्नान कराने के लिए तो मैंने उनके लिए 5 चीजें थाली जो होती है जिसमें काना को स्नान कराते हैं वो रेडी कर ली है. मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने रेडी करी है. दिस इज दूध, दही, शहद, भूरा एंड गंगा जल. और ये उनके न्यू क्लोथ्स हैं जो वो स्नान करने के बाद पहनेंगे. पहले अब स्नान होएगा. सो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे कर रहे हैं. सारा काम कर लिया है, स्नान वगैरह और उनका श्रृंगार वगैरह वो सब कुछ हो गया है. अब हम जो है वो बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जन्माष्टमी के लिए. सो अब मैं डेकोरेशन वगैरह करूंगी. अभी 3:30 बज रहे हैं. सो अभी मैं डेकोरेशन करूंगी और अराउंड 5 o'clock जो बाकी का सामान है माधव के लिए जो बाकी के भोग बनाने हैं हमें
वो मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। थोड़ा बहुत तो हमने कल बना लिया था, तो जो अभी रह रहा है वो अभी हमें बनाना है। तो उन सबका व्लॉग तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत सारे भोग हैं तो इतने सारी रेसिपीज मैं नहीं दिखा पाऊंगी। सो क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं कुछ कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है, और एंड में शाम को पूरा 56 भोग दिखाऊंगी मैं आपको कि हम कैसे लगा रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, तब तक हम डेकोरेशन और थोड़ा बहुत जो भी मैं क्लिप दिखा पाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पूरी डेकोरेशन हो गई है, आप देखो मेरे पीछे ये है माधव का झूला। सो पूरी डेकोरेशन हो गई है, अब बज रहे हैं 6। सो अब मैं फटाफट से मम्मा और मैं मिलके सारे भोग जो बचे हुए थे वो रेडी करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले बना के रखते हैं तो फिर वो ठंडे हो जाते और मतलब अच्छा नहीं लगता, गरम गरम अच्छे लगते हैं। सो अभी बना के वो सारे हम 7 बजे तक पूरी मतलब डेकोरेशन के साथ टेबल रेडी करके माधव को झूले में बिठा देंगे तैयार करके, और उसके बाद कीर्तन होएगा और वो 12 बजे तक, जब तक जन्म नहीं होता तब तक चलेगा। सो अब मैं जा रही हूँ किचन में सारा काम करने, बाकी के भोग बचाने। आप मेरी डेकोरेशन देखो और बताओ कैसी लग रही है आपको। सो प्लीज कमेंट करके बताना कि डेकोरेशन कैसी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ झूला, ये इसका बैंड है जिससे हम माधव को झूला झुलाएंगे, और ये पूरा झूला है, यहाँ से हमने बैलून टाई करे हैं सारे, अच्छे से पेस्ट करे हैं। सी कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। इस तरीके से लाइटिंग हुई हुई है, अगर हम लाइट क्लोज करके देखेंगे तो भी बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है, यू कैन सी दैट। बहुत अच्छा लग रहा है जब हमने लाइट क्लोज करके देखा है तो। अब मैं जा रही हूँ किचन में और मैं फटाफट से भोग रेडी करती हूँ मम्मा के साथ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ जब हम पूरी टेबल सेट कर लेंगे 56 भोग की, देन मैं आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई है और हमने पूरे 56 भोग लगा दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे लगाए। तो ये है हमारे 56 भोग, मैं पास से दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो इस वाले साइड है वो हमने घर में बनाई हैं, और ये सारे बाहर से आए हैं। सो दिस इज़ यू कैन सी दही बल्ले, पनीर, घेवर, बेसन के लड्डू, जलेबी, समोसे, सेवैयाँ, सूजी का हलवा, ब्रेड पकोड़ा, बेसन का हलवा एंड चीले, ये सारी चीज़ें हमने घर में बनाई हैं। और ये सारी जो चीज़ें इन सबको मिला के ये जो है वो 56 भोग लग गए हैं। और ये है मेरा माधव, और ये है मेरा गोपाल। माधव हेलो, माधव से चीज, माधव हाय कर दो व्लॉग में। और ये है गोपाल। अब टाइम हो गया है 11:15 और अब हम कीर्तन कर रहे हैं, 12 बजे का वेट कर रहे हैं जल्दी से कब 12 बजे। और मैंने चेंज भी कर लिया और मैं अपने नाइट के कम्फी क्लोथ्स में आ गई हूँ, पजामा टी शर्ट। सो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे कीर्तन कर रहे हैं। So that's it for today's vlog. I hope you guys like it, and if you guys like it, to please like this video and subscribe to my channel. Till then, bye bye. Once again, happy Janmashtami.